पंजाब पुलिस के वलों खन्ना के शिव मंदिर के विच चोरी करने वाले गिरोह नूं फड़न तो बाद हिंदू महात्मा सीएम मान दे नाल मिले। आओ सुनते हैं की इन्हां दा कहना। हम लोग जो मुख्यमंत्री साहब के पास आए थे, पंजाब के हर जिले से अलग अलग से संत समाज के प्रतिनिधि भी हैं हमारे साथ, और जो बड़े बड़े मंदिर हैं उस मंदिर के समाज के संगठन के प्रतिनिधि भी साथ में हैं। तो हम लोग यहाँ आए थे भगवंत मान जी का धन्यवाद करने के लिए। खन्ना में जो एक चोरी हुआ और दूसरे प्रदेश में जा करके वहाँ से पकड़े गए सब चोरी करने वाले, वहाँ से जो पंजाब के प्रशासन ने कार्य किया है दूसरे प्रदेशों से भी पकड़ करके लाने का, तो इससे एक लोगों में जो हिंदू समाज है इसके एक उत्साह इनके मन में हो गया कि ऐसी अभी व्यवस्था यहाँ है पंजाब में, कोई व्यक्ति ऐसा कोई क्राइम यहाँ नहीं कर सकता। लोगों में डर होगा, मंदिर सुरक्षित होंगे, गुरुद्वारे सुरक्षित होंगे, जो धार्मिक हमारे स्थल हैं, और भी कई विषयों पर हमने धार्मिक स्थल की सुरक्षा की व्यवस्था और अन्य की चर्चा हुई, आश्वासन भी मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहते हैं पंजाब सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, श्री वैष्णव विरक्त मंडल महामंत्री होने के नाते। ये जो चोरी हुआ और तत्काल इतना जल्दी गिरफ्तारी हो गई, इस गिरफ्तारी को देख करके अब हमें लग रहा है कि हमारे डेरे और गुरुद्वारे जो भी हैं वो सुरक्षित हैं। आगे की भी जो व्यवस्था है उसके लिए हमने चर्चा किया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम इसके लिए भी बिल्कुल खड़े हैं, और बिल्कुल सरल तरीके से चर्चा करके उन्होंने लिया, जैसे मतलब अब वास्तव में हमारा ही काम है। तो जैसा ये मंचों पर बोलते हैं ऐसा लगा कि मतलब मंच पर तो बोलते ही हैं कि हम जैसे सरल हैं, सीधे हैं और काम करेंगे पंजाब प्रदेश के लिए, धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए, तो अब ये वास्तव में ऐसा कार्य करेंगे। तो बहुत बहुत मीडिया के माध्यम से भी हम पूरे संत समाज की तरफ से, पंजाब की तरफ से धन्यवाद करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी का और इनके पूरे डेलीगेशन का, प्रशासन का, कि इतना जल्दी जो इन्होंने दिखाई, जल्दबाजी करके गिरफ्तारी की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मेरा नाम महंत बंसीदास है, श्री महामंडलेश्वर श्री महंत बंसीदास। जलंधर में भी डेरा है हमारा, पठानकोट में भी डेरा है, गुरुकुल भी चल रहा है हमारे पास, अखंड संकीर्तन भी चलता है हमारे यहाँ। ये मंदिर में पहली बार हुआ ऐसा कि अपील की गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुरक्षा जो है वो अपने लेवल पर जो हिंदू संगठन है या अन्य जो संगठन है वो उसको चौकस करें, सीसीटीवी मॉनिटरिंग करवाएं, ताकि इस तरह के जो संस्थान है वो सुरक्षित आपने छेड़ दिया तो एक विषय आपको और बता दूं। वैसे हमारे पास जो संस्था, अभी जो मैं संस्था स्वयं भी चला रहा हूं, वैसे तो मेरे पास 90 गद्दियां हैं जिनका मैं महामंत्री हूं पंजाब प्रदेश में, श्री वैष्णव विरक्त मंडल का। हमारे साथ और भी महंत आए हुए हैं, महंत पवनदास जी हैं, रुड़का से भी हैं और होशियारपुर से भी हैं, कुछ ही प्रतिनिधि अभी हमारे साथ आए हैं। तो हर डेरों में हमारे यहाँ कैमरे तो लगे हैं। एक विषय हमने मूल आज उठाया, वैसे तो मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मीडिया वाले आपने छेड़ दिया। एक हमने सुरक्षा की और व्यवस्था ये सुना इनके सामने अभी चर्चा रखी कि हमारे जितने डेरे हैं सबके महंत हैं, किसी के पास जमीन है, किसी के पास जायदाद है, किसी के पास स्कूल है, किसी के पास विद्यालय है, किसी के पास संकीर्तन चल रहा है, हजारों लोग वहाँ एकत्रित होते हैं हमारे पास। उनकी सुरक्षा के लिए हम प्राइवेट भी अपने तरफ से भी आर्म्स वगैरह की व्यवस्था रखें, उसके लिए मुझे लाइसेंस दी जाए। लगभग 10-20 लाइसेंस तो हमें मिल चुके हैं लेकिन सारे डेरों के पास हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उसके लिए हमने अभी रखा था मुख्यमंत्री जी के पास, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस विषय को रखेंगे और ये आपके लिए उपलब्ध होगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। प्रभु ऐसा है, देखो एक एक विषय तो होंगे, हर विषय को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो फिर उसका समाधान नहीं होगा। एक घटना हुई, उसका समाधान हो चुका, आगे जो होगा उसको फिर करेंगे। धन्यवाद, ठीक है प्रभु।